दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम जहां पहले खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे, वहीं इस टीम से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय टीम के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें भारतीय टीम का एक मुख्य सदस्य चोट के चलते श्रृंखला से बाहर हो चुका है और अब उनकी जगह लेने वाले हैं भारतीय टीम के एक धुरंधर खिलाड़ी। तो चलिए बताते हैं आपको विस्तार से इस खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही टेस्ट श्रृंखला का चौथा मुकाबला 2 सितंबर से शुरू होगा। बता दें तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने बड़े निराशाजनक प्रदर्शन करके दिखाया है, जिसके बाद तो उनकी आलोचना पूरे विश्व में हो रही थी। भारतीय टीम इस आलोचना और खराब प्रदर्शन की वजह से पहले ही काफी दिक्कतों का सामना कर रही थी, लेकिन अब तो एक और ऐसी खबर सामने आ गई जिसको सुनने के बाद तो भारतीय क्रिकेट टीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों बता दें भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय टीम के एक अहम सदस्य हैं, उनको चोट के चलते आगे खेलने जाने वाले 2 टेस्ट मुकाबलों से बाहर किया जाने वाला है। दोस्तों उनके बाहर करने की वजह है कि वो तीसरे टेस्ट के दौरान जब मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे तब उन्होंने ऐसी डाइव लगाई जिसके बाद तो उनके घुटनों पर चोट लग गई। इसके बाद उन्हें तुरंत ही मैदान से बाहर ले जाया गया। दोस्तों पहले तो उनकी ये चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन जब मुकाबले के बाद रविंद्र जडेजा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 10 दिन का आराम लेने की सलाह दी है, जिसके चलते अब रविंद्र जडेजा का अगले 2 मुकाबले खेलने का सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों बता दें अब रविंद्र जडेजा के चोटिल हो जाने के बाद उनको अगले 2 टेस्ट मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण भारतीय टीम से ये चिंता का विषय है कि उनकी जगह कौन टीम का हिस्सा बनेगा। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों बता दें रविंद्र जडेजा की जगह अब भारतीय टीम के धुरंधर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जाएगा। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की जबरदस्त गेंदबाजी से तो हम बखूबी वाकिफ है। उन्होंने हमेशा से अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम की जीत में एक अहम योगदान दिया है। जब भी भारतीय टीम भारत में या फिर किसी भी विदेश सरजमी पर मुश्किलों में फंसी होती थी तो रविचंद्रन अश्विन एक मसीहा की तरह आते थे और भारतीय टीम को एक खराब स्थिति से निकालकर एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते थे। अब तक उन्हें इस श्रृंखला में खेलने का मौका नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो काफी निराश लग रहे थे, लेकिन अब उन्हें अगले 2 मुकाबलों में खेलने का मौका दिया जाएगा। वो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहेंगे और शानदार प्रदर्शन करके एक बार फिर साबित कर देंगे कि उनसे बेहतर खिलाड़ी भारत की टेस्ट टीम में नहीं है। और इस बात को हम सभी जानते हैं कि वो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी कमाल कर सकते हैं, इसलिए भारतीय टीम अब रविंद्र जडेजा की जगह अश्विन को जरूर खिलाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या रविचंद्रन अश्विन अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा सकेंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।